एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर वन का जो 6 सितंबर को हुआ था। सो बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं, सो आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिल जाए। फाइन, सो लेट्स बिगिन। मैथ्स के 10 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के 10, कंप्यूटर के 10, जीके करंट अफेयर्स एंड हिंदी के थे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट रीजनिंग के। ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन था जिसका आंसर अंकल था। सिलॉग का एक क्वेश्चन था, पी माइनस क्यू वाला था इज इक्वल्स टू 2, जिसका आंसर 4 एंड माइनस 2। नंबर सीरीज था जिसका आंसर 32 था। ये सारे क्वेश्चंस थे। फाइन, एक था आइज नोज वाला, अगर आइज नोज है, नोज लेग है, तो हम लोग वॉक किससे करते हैं, सो नोज से वॉक करते हैं। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंप्यूटर का बेसिक का फुल फॉर्म था। HTTPS में S क्या है, सिक्योर बाइनरी नंबर का क्वेश्चन था। डेटा डेफिनेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट का स्लाइड अगर ओपन है तो उसको एस्केप कैसे करेंगे, क्विट कैसे करेंगे एस्केप से। और कुछ क्वेश्चंस था, जीके देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ जोनहा फॉल फ्रॉम रांची 40 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वन इज जोनहा फॉल में गौतम पहाड़ है वो किसके अंडर है, विच इज बलदेव दास बिरला के। चांदिल डैम कौन से रिवर में, स्वर्णरेखा रिवर। झारखंड का फाउंडेशन डे कब था, 15 नवंबर। बर्थडे ऑफ झारखंड किसके बर्थडे में आता है, विच इज बिरसा मुंडा। संजय मजरेकर के बुक का नाम क्या है, इम्परफेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, विच इज वोल्ट मीटर। ग्राम पंचायत को कौन सेलेक्ट करता है, विच इज मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। 10th फाइव ईयर प्लान का कितना परसेंट ग्रोथ रेट था, ये पूछा गया था। एक सफर में बुक कौन लिखा है, अंशुमन भगत। छठ पूजा में किसकी पूजा करते हैं, विच इज सन। गार्लिक का साइंटिफिक नेम, बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम। पीएच का फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट संस्कृत फिल्म पूछा गया था, कैलिको म्यूजियम जो है अहमदाबाद में वो क्या के लिए फेमस है। देन बर्थडे वाला क्वेश्चन था, ईयर गिवन था और पूछा गया था कि फॉलोइंग में से किसका बर्थडे है। देन एस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज किसे बोलते हैं, हो मुंडा संथाली, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्कॉलरशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड झारखंड गवर्नमेंट, उसका नाम क्या था, विच इज़ शिविंग मरंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप। नेक्स्ट एक था, अलेक्जेंडर डालरम्प अवार्ड किसको मिला था, विच इज़ विनय बद्धवर। हिंदी का कुछ क्वेश्चंस था जैसा गधा गधे, पत्ता पत्ते, सपना का ख्वाब, काम आना इसका मुहावरा क्या हुआ, ये सारा था, गद्यांश था। सो मोर ऑर लेस हिंदी ईजी था, पेपर क्वालिफाइंग नेचर का था। कुछ और क्वेश्चंस भी मिले मुझे कॉमर्स का, सो लेट्स डिस्कस कॉमर्स के क्वेश्चंस भी। चाहे वो 5th का हो चाहे 6th का हो, ऐसा नहीं कि कोई ईजी था कोई डिफ़िकल्ट था। द पेपर लेवल ऑफ बोथ द डेज वे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो डोंट वरी, दोनों ही डे का सेम ही था। सो कट ऑफ एंड नॉर्मलाइजेशन दोनों शिफ्ट का लगभग सेम ही रहेगा। कॉमर्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड क्या था, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। MM अप्रोच में अगर कोई टैक्स नहीं रहेगा तो इट विल अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। MOS क्या था, व्हेन सेल्स एक्सीड ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट इज डैश एनहांसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड देयरफॉर इक्विटी कैपिटल इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, द आंसर इज डिविडेंड। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी था, रेसिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी का कब कहा जाएगा, जब वो इंडियन कंपनी है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ब्रदर था जो कि एग्जेम्प्ट था, और एक एडजुडिकेशन का क्वेश्चन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चंस याद है सो डू कमेंट। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर का स्टार्ट करेंगे। आई विल गिव ओनली MCQ questions, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है। सो गो थ्रू दिस JSSC वाला ही आप लोग सारा देख लीजिएगा, और MCQ सीरीज़ मैं स्टार्ट कर दूँगी। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।